हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जेबीआर ऑनलाइन क्लासेस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। यू कैन आल्सो विजिट आवर वेबसाइट फॉर द अदर्स चैप्टर। द वेबसाइट लिंक इज इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So hello everyone, now once again welcome back to my channel JBR online classes. In this video I'm going to start exercise 15.2, that means the chapter circles. This is the second chapter, this is the second exercise from this chapter. For the first one, please check the description box, the link is there. Okay, so here in exercise 15.2, before going to solve this exercise, first here you have to know the theorem. आपको यहाँ पर जो थ्योरम आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, पहले आपको थ्योरम के बारे में यहाँ पर जानना होगा। अब यहाँ पर दो थ्योरम मुझे अप्लाई करना है। नंबर वन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज मुझे जानना है। नाउ व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, पहले हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चीज क्या है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ किया है, चलिए एक सर्किल ड्रॉ करते, रफ स्केच कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सेंटर होगा, सो सर्किल ड्रॉ करने के बाद अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, आपको ध्यान रखना होगा क्वाड्रिलेटरल का जो चारों वर्टेक्स होता है ए बी सी डी, चारों ही वर्टेक्स आपको सर्कमफेरेंस के ऊपर रखना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ए पॉइंट सर्कमफेरेंस के ऊपर भी है, बी पॉइंट भी सर्कमफेरेंस के ऊपर, सी एंड डी ऑल आर लाई ऑन द सर्कमफेरेंस। सो हियर ए बी सी डी इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्लियर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है द एडिशन ऑफ द ऑपोजिट एंगल। इसका मतलब यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल सी, दैट वन इक्वल टू 180 डिग्री, एज वेल एज एंगल बी प्लस एंगल डी, दैट वन इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, the addition or the summation of the opposite angle of a cyclic quadrilateral always equal to 180 degree. Now the next property, suppose if you extend any side of a cyclic quadrilateral, so yahan par ek bc side diya hua hai, ab main yahan par kya kar raha hu, bc side ko extend kar raha hu up to e, so yahan par jo angle create ho gaya DCE, it's called the exterior angle. Okay, DCE is called the exterior angle of that cyclic quadrilateral. Now this is the property number two, the exterior angle of a cyclic quadrilateral is always equal to the opposite interior angle. So yahan par exterior angle DCE ka opposite interior angle hai angle A. That means DCE is equal to BAD. Okay? Cyclic quadrilateral का जो exterior angle होता है that is equal to with opposite interior angle. Clear? So theorem property number one और property number two मैंने आपको बोल दिया, अब इस property को हम यहाँ पर apply करेंगे। चलिए अब exercise start करते हैं, पहले हम इसको erase कर लेते हैं। Okay. So 15.2. Sum number one, if O is the center of the circle, find the value of x in each of the following figures. Okay, so here for the first figure, dekhe yahan par first figure mein kya diya hua hai, O is the center or BOD equal to 150 degree. So if BOD equal to 150 degree, then BAD equal to half of 150. अब हाफ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी ए डी एंड बी ओ डी लाई ऑन द सेम सेगमेंट, ओके, एंड हियर ओ इज ऑन द सेंटर, सो इट्स अ सेंट्रिक एंगल एंड बी ए डी इज द रिमेनिंग ऑफ दैट सेगमेंट, सो एंगल बी ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ओ डी। 15.1 का थ्योरी था। सो यहाँ पर बी ए डी इक्वल टू हम लिखेंगे 150 बाई 2, इट्स 75 डिग्री। सो 75 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर जो x डिग्री दिया हुआ है, x डिग्री इज द एक्सटीरियर एंगल,
मैंने पहले ही बोल दिया था एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू ऑल्सो 75 डिग्री, दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, नंबर टू। नंबर टू में यहाँ पर देखिए एक्सटीरियर एंगल इट्स 80 डिग्री, सो डेफिनेटली ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ऑल्सो 80 डिग्री। नाउ एंगल बी ओ डी का डबल होगा एंगल बी ओ डी, दिस वन, सो 80 का डबल होता है यहाँ पर 160, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए जो ओ एक सेंटर दिया हुआ है, सेंटर में अगर पूरा एक एंगल हम ड्रॉ करेंगे तो 360 आ जाएगा, ओके। और नीचे वाला जो पोर्शन बी ओ डी 160 हो गया, इसका मतलब बी ओ डी जो ऊपर वाला दैट इज रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स बी ओ डी हम क्या करेंगे 360 से यहाँ पर 160 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 360 माइनस 160 दैट वन इक्वल टू 200 डिग्री, ओके। सो एक्स इक्वल टू 200 डिग्री। नेक्स्ट वन, थर्ड वन। अब थर्ड वन में यहाँ पर ए ओ बी इज द डायमीटर, ओके। सो ऊपर वाला पार्ट हो गया क्या सेमी सर्कल। अब जो सेमी सर्कल में कोई भी एंगल आप यहाँ पर लिखेंगे तो एंगल का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल ए सी बी सेमी सर्कल में लाइक है, सो एंगल ए सी बी का वैल्यू मुझे मिल गया 90 डिग्री, ओके। अब यहाँ पर देखिए ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल ए सी में आपको तीन एंगल दिखाई दे रहे हैं, एंगल ए, एंगल सी एंड एंगल बी। अब दोनों एंगल का एडिशन 90 और 25 इसको मिला के होता है 115, तो एंगल बी का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा 180 माइनस 115, इट्स वेरी इजी, सो दैट वन इक्वल टू 65 डिग्री। तो यहाँ पर हम 65 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि देखो चारों वर्टेक्स सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई कर रहे हैं, सो एंगल बी, एंगल बी और एंगल डी का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री। मैंने प्रॉपर्टी नंबर वन में बोला था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल लाई करता है, जो ऑपोजिट एंगल होता है, दोनों ऑपोजिट एंगल का एडिशन ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल बी मुझे मिल गया दैट वन इक्वल टू 65, सो एंगल डी हो जाएगा 180 माइनस 65 एंड दैट इज 115 डिग्री, ओके। 180 माइनस 65 दैट वन इक्वल टू 115, सम नंबर वन सॉल्व हो गया। चलिए अब सम नंबर टू सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखना होगा, कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, ओके। नंबर टू, इन द गिवन फिगर गिवन बिलो ओ इज द सेंटर एंगल ए ओ सी 150 डिग्री, फाइंड एंगल ए बी सी ऊपर वाला एंगल आपको निकालना है एंड ए डी सी नीचे वाला एंगल भी आपको निकालना है, इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम। चलिए फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ए डी सी, ए डी सी यहाँ पर एक आर्क हो गया, सो इन दिस सेगमेंट हियर दिस एंगल ए ओ सी सेंट्रिक एंगल, सो ए बी सी हो गया आपका हाफ ऑफ सेंट्रिक एंगल, दैट मीन्स 75 डिग्री, 150 का हाफ होता है 75, सो फर्स्ट आंसर 75 डिग्री। नाउ एंगल बी एंड एंगल डी ऑपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब फिर से एंगल बी प्लस एंगल डी का एडिशन हो जाएगा 180। अब एंगल बी मुझे मिल गया है 75, सो एंगल ए डी सी का वैल्यू भी मिल जाएगा 105, 180 से 75 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, सो वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट वन, इन द गिवन फिगर ए सी इज द डायमीटर। चलिए पहले ही यहां पर दे दिया है ए सी डायमीटर, सो एंगल ए बी सी किस में लाई कर रहा है सेमी सर्किल में, सो एंगल बी का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, ओके। एंगल बी सी डी 75 दिया हुआ है, कैलकुलेट द साइज ए बी सी, तो पहले ही मुझे ए बी सी मिल गया 90 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है एंगल ई ए एफ। अब यहाँ पर मुझे देखना होगा ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी दैट वन इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑपोजिट एंगल, सो एंगल ए का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 180 माइनस 75, ओके दैट इज 105,
So angle BAD 105, okay? Angle BAD 105. अब देखिए मुझे निकालना है EAF. So EAF is the vertically opposite angle of BAD. इसका मतलब इसका भी वैल्यू मुझे 105 ही मिलेगा, ओके? EAF इक्वल टू 105, इट्स अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सम नंबर टू हो गया. चलिए अब नेक्स्ट वन, सम नंबर थ्री. इन द फिगर गिवन बिलो, एंगल DBC, DBC दिस एंगल इक्वल टू 58 डिग्री, ओके? 58 डिग्री. BD इज द डायमीटर. अच्छा, BD डायमीटर हो गया. तो पहले मुझे निकालना है एंगल BDC. चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा जूम कर लेते हैं. देखिए BD डायमीटर हो गया, इसका मतलब BCD एंगल दैट वन इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज एंगल लाई ऑन द सेमी सर्कल दैट वन इक्वल टू 90. नाउ ट्राइंगल BDC, वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंगल 58, वैल्यू ऑफ सेकेंड एंगल 90 डिग्री. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल? 58 और 90 को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, फिर उसको 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड दैट वन इक्वल टू 32 डिग्री. चलिए फर्स्ट आंसर आपको यहाँ पर मिल गया 32 डिग्री. नेक्स्ट आपको यहाँ पर निकालना होगा BEC और उसके बाद BAC. तो पहले हम BAC निकाल लेते हैं. अब देखिए यहाँ पर एंगल ए और एंगल डी लाई ऑन द सेम सेगमेंट, ओके? सो एंगल डी का वैल्यू अगर 32 है, सो एंगल ए का वैल्यू भी आपको 32 ही मिलेगा, ओके? द एंगल्स लाई ऑन द सेम सेगमेंट दैट वन इक्वल टू 32 डिग्री. अब जो सेकेंड क्वेश्चन था BEC, BEC इसका वैल्यू मुझे निकालना है, ओके? चलिए हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं. अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, BECD चारों ही वर्टेक्स सर्कमफेरेंस के ऊपर दिया हुआ है. इसका मतलब BECD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. आई रिपीट, BECD, ओके? BECD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो ऑपोजिट एंगल, एंगल डी एंड एंगल ई, इसका एडिशन कितना होगा? 180 डिग्री. अब डी का वैल्यू आपको मालूम है 32 डिग्री. सो मुझे ई का वैल्यू निकालना है. इट्स वेरी इजी, 180 माइनस 32 एंड दैट वन इक्वल टू 148 डिग्री. सो 148 इज द सेकेंड आंसर. चलिए नेक्स्ट वन, नंबर थ्री. सॉरी, नंबर थ्री का सेकेंड पार्ट. इन द गिवेन फिगर AB इज पैरेलल टू DC. चलिए यहाँ पर एक पैरेलल एरो कर देते हैं. BCE कहाँ पर है? BCE 80 डिग्री दिया हुआ है. BAC 25 लिखा हुआ है. पहले आपको यहाँ पर निकालना है CAD कहाँ पर है? CAD, अच्छा ए वाला पोर्शन, CAD मुझे निकालना है. चलिए फिर से इसको जूम कर लेते हैं. अब यहाँ पर ठीक से ऑब्जर्व करना है आपको. देखिए पहले BCE जो 80 डिग्री दिया हुआ है, इट्स कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, ओके? आप साइक्लिक क्वाड्रेटर कौन सा है? ABCD आपको दिखाई दे रहा है. सो 80 डिग्री इज द एक्सटीरियर एंगल एंड यू नो दैट एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. इसका मतलब जो यहाँ पर ए एंगल, जो पूरा एंगल यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा एंगल का वैल्यू आपको क्या मिलेगा? 80 डिग्री मिल जाएगा. अब जो ऊपर वाला पोर्शन है 25, सो मुझे नीचे वाला पोर्शन निकालना है. सो हम क्या करेंगे? 80 से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो आपका आंसर मिल जाएगा 55 डिग्री. दैट इज योर फर्स्ट आंसर. द वैल्यू ऑफ DAC, ओके? वैल्यू ऑफ DAC और CAD, इट्स 55 डिग्री. नेक्स्ट वन, CBD. अब देखिए CAD और CBD टू एंगल्स अलाई ऑन द सेम सेगमेंट, सो इसका भी वैल्यू 55 डिग्री हो जाएगा. लास्ट वन ADC, ओके? आपको यहाँ पर ADC निकालना है. चलिए ADC के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर जो
अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, सो एंगल बी ए सी, बी ए सी एंड बी डी सी। अच्छा यहाँ पर देखिए, जो सेगमेंट दिया हुआ है एंगल बी ए सी एंड बी डी सी, बी ए सी एंड बी डी सी आर लाई ऑन द सेम सेगमेंट। ओके, एंगल बी ए सी एंड एंगल बी डी सी, दोनों ही एंगल सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। इस तरफ से अगर देखिएगा, यहाँ पर बी सी अगर आर्क ले लिया, तो इस तरफ से आपको जो सेगमेंट आ रहा है बी ए सी एंड बी डी सी लाई ऑन सेम सेगमेंट, सो इसका भी वैल्यू आपको मिल जाएगा 25 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर ए बी एंड डी सी पैरेलल, चलिए सो ए बी एंड डी सी अगर यहाँ पर पैरेलल हो गया, तो मुझे बी डी सी जो एंगल दिखाई दे रहा है, बी डी सी का वैल्यू अगर 25 मुझे मिल रहा है, तो यहाँ पर ए बी डी का वैल्यू भी 25 आ जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल्स ए बी एंड डी सी पैरेलल, बी डी इज द ट्रांसवर्सल, सो एंगल ए बी डी इक्वल टू बी डी सी। सो 25 और 55 दोनों को मिला के कितना हो रहा है, मिला के 80 डिग्री आ रहा है। सो जो बी एंगल का टोटल एंगल होगा 80 डिग्री। ओके, अब बी के ऑपोजिट, इसका मतलब दूसरी तरफ है एंगल डी, और मुझे एंगल डी का पूरा वैल्यू निकालना है। सो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द एडिशन इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से मुझे एंगल डी का वैल्यू मिल जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 80 एंड दैट वन इक्वल टू 100। क्लियर? ओके, सम नंबर 3 हो गया। चलिए अब सम नंबर 4। इन सम नंबर 4, इन द गिवन फिगर बिलो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए डी सी 80 डिग्री, एंगल ए सी डी 52 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, वेरी इजी। ए बी सी का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 80, 100 डिग्री, क्योंकि टू एंगल्स आर ऑपोजिट ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रेटरल, सो एडिशन विल बी 180। नाउ नेक्स्ट आपको निकालना है यहाँ पर सी बी डी। अच्छा सी बी डी मुझे यहाँ पर निकालना है, सी बी डी, अच्छा इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे एंगल, अच्छा मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको, यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको ओ लिख देते हैं। ओके सो अच्छा अब यहाँ पर देखिए, तो छोड़ दीजिए इसको, ओ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से और भी इजी आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो आर्क दिया हुआ है ए डी, ए डी आर्क के ऊपर यहाँ पर डी सी ए और डी बी ए दोनों ही एंगल का वैल्यू सेम आ जाएगा। ओके, एंगल्स लाई ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो यहाँ पर भी 52 डिग्री मुझे मिल जाएगा। तो मुझे निकालना है आप सी बी डी, सो हम 100 से 52 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो 8 और यहाँ पर 5, 48 डिग्री। ओके सो 48 डिग्री, दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, नंबर बी, इन द गिवन फिगर बिलो O is the center of the circle AOE. Sorry, yes, AOE. AOE equal to 150. Okay. Angle DAO. DAO. So that one. It's 51. Find the value of BEC. So BEC. इसको निकालना है. और EBC. इसको भी मुझे निकालना है. चलिए दोनों ही वैल्यू मुझे यहाँ पर निकालना है। सो पहले यहाँ पर ए ओ ई 150 दिया गया है और डी ए ओ 51। नाउ द एक्सटीरियर एंगल आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रेटर कौन सा है, ए बी, ए बी ई डी। ओके, ए बी ई डी इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो एंगल ई बी सी इज एक्सटीरियर एंगल,
एंड एंगल ई बी सी एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा और एंगल बी ई सी भी एक्सटीरियर एंगल होगा. बी ई सी दोनों ही यहाँ पर देखिए एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है. एंगल ई बी सी इज द एक्सटीरियर एंगल एज वेल एज एंगल ई बी सी सॉरी बी ई सी. सो जो बी ई सी एंगल होगा, बी ई सी जो एक्सटीरियर एंगल है इसका ऑपोजिट एंगल है एंगल ए. आपको मालूम ही होगा प्रॉपर्टी नंबर टू क्या है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. सो बी ई सी इज इक्वल टू डी ए ओ एंड दैट वन इक्वल टू 51 डिग्री. ओके दैट इज योर फर्स्ट आंसर. अब मुझे दूसरा वाला निकालना है. नाउ पार्ट टू के लिए यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पर निकालना है ई बी सी. अच्छा अब यहाँ पर देखिए एंगल ए ओ बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 150. इसका मतलब जो नीचे वाला एंगल होगा इसको हम 360 से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और मुझे मिल जाएगा 210. ओके अब यहाँ पर देखिए जो एंगल ए ओ ई है इसका जो हाफ होगा उसका वैल्यू आ जाएगा ए डी ई. सो ए डी ई इसका वैल्यू मुझे मिल जाएगा 105. ओके 105 इज द हाफ ऑफ 210. Now, EBC is the exterior angle and the opposite interior angle equal to angle ADE and that one equal to 105 degree. So, that is your answer. Now, the last one, sum number 5 for this video. So, guys, if you like my video, please, please share this video and please subscribe my channel. So, here in sum number 5, in the given figure below, A, B, C, D is a parallelogram. A circle passes through A and D and cuts AB at E and DC at F, given that B, E, F equal to 80 degree. Then find the angle A, B, C. आपको यहाँ पर A, B, C का वैल्यू निकालना है. तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे A, D, F, E. ए डी एफ ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके सो यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल एफ ई बी, एफ ई बी दिस वन इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर दैट मीन्स एंगल डी, सो दैट वन इक्वल टू ऑल्सो 80 डिग्री. नाउ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. सो इन अ पैरेललोग्राम द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो यहाँ पर जो एंगल डी का वैल्यू मुझे 80 मिल गया, यहाँ से हम बी का वैल्यू भी यहाँ पर 80 लिख देंगे. ओके सो दैट वन इक्वल टू 80 डिग्री. नाउ नेक्स्ट पार्ट, इन द गिवन फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रॉपीजियम इन विच ए डी इज पैरेलल टू बी सी, एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री. देन फर्स्ट फाइंड बी ए डी. बी ए डी बहुत ईजी है यहाँ पर. अब देखिए ए डी और बी सी अगर पैरेलल हो गया सो एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स. ओके आई रिपीट, एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल टू को इंटीरियर एंगल्स. सो 70 प्लस एंगल ए दैट वन इक्वल टू 180. सो ए का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 110. इट्स वेरी इजी. नाउ फॉर द नेक्स्ट वन बी सी डी, again a b c d is a cyclic quadrilateral because trapezium is also called the quadrilateral. So a and c the addition will be 180 degree, so this one equal to 70 degree.